हेडलाइन के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कोमल गंडोत्रा। आइए नजर डालते हैं दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर पीएम मोदी, सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह सहित कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। गांधी संकल्प यात्रा में बोले शाह, अंग्रेजों को उस अदने से आदमी ने झुकने पर किया मजबूर। जम्मू में 50 रुपए में पहुंचाया गया विस्फोटक बड़ा बैग, मात्रा इतनी थी कि तबाह हो सकता था पूरा शहर। जम्मू कश्मीर के कई नेताओं की हटी नजरबंदी, कांग्रेस नेका पैंथर्स के नेता हैं शामिल। अब समाचार विस्तार से। आज देश भर में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी 116वीं जयंती है। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपिता की समाधि स्थल राजघाट पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल व हरदीप सिंह पुरी और भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी राष्ट्रपिता को पुष्पांजलि अर्पित की। गांधी जयंती के उपलक्ष्य में टीचर्स भवन गांधीनगर जम्मू में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भेंट की गई। इस मौके पर राज्यपाल के सलाहकार फारूक खान मुख्य अतिथि थे। स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है सर, हमने गांव में जाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति से जागरूक ही नहीं करना है बल्कि उन सभी के साथ स्वच्छता अभियान को सफल बनाना है सर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने नई दिल्ली से गांधी संकल्प यात्रा की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने उपस्थित कार्यकर्ताओं, नेता और लोगों से कहा कि मैं देश भर के करोड़ों कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि गांधी 150 हम सबके लिए संकल्प का वर्ष बने। प्राइवेट बस में कठुआ जिले के बिलावर से विस्फोटक मात्रा 50 रुपए में जम्मू पहुंच गया। बस के ड्राइवर को बैग रखने के लिए दंपति ने 50 रुपए दिए थे। बैग देने वाले दंपति ने ड्राइवर से डोगरी में बातचीत की। महिला ने बस के चालक को 50 रुपए दिए और कहा कि ये बैग रख लो, बड़ी ब्रह्मणा में उनके बच्चे आएंगे और बैग ले जाएंगे। 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू में नजरबंद नेताओं की नजरबंदी मंगलवार को समाप्त कर दी गई। पुलिस की ओर से सभी नेताओं को नजरबंद हटाने की सूचना दी गई है। नजरबंद नेताओं ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। माना जा रहा है कि बीडीसी चुनाव को देखते हुए इन नेताओं की नजरबंदी हटाई गई है ताकि राजनीतिक गतिविधियां शुरू हो सके। वायुसेना का एक ड्रोन मंगलवार को लापता हो गया। उसको ढूंढने के लिए वायुसेना के अभियान चलाया है। विश्ना इलाके के गांव सिकंदरपुर और आसपास के गांव में ड्रोन की तलाशी के लिए मंगलवार शाम को वायुसेना के हेलीकॉप्टर और जवानों की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया, परंतु ड्रोन नहीं मिल सका। जम्मू कश्मीर में सेना व सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान के मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए घुसपैठ के 20 मार्गों को चिन्हित कर बहुसत्रीय सुरक्षा प्रबंध किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल व नियंत्रण रेखा पर सेना के साथ ग्राम सुरक्षा समितियों और जम्मू कश्मीर पुलिस ने सीमांत क्षेत्रों में तीसरे चक्कर में संवेदनशील जगहों पर नाके लगाकर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए हैं। जम्मू कश्मीर से हटाए गए अनुच्छेद 370 के बाद भारत और पाकिस्तान के बने तनाव का प्रभाव वैष्णो देवी धाम में भी देखने को मिला। वहां वैष्णो देवी के दर्शन करने पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू के कमरे के बाहर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। उन्हें पाकिस्तान का समर्थक बताते हुए श्राइन बोर्ड से मिलने वाली छूट को तुरंत खत्म करने को कहा। जम्मू कश्मीर में दरबार मूव की तैयारियां तेजी से हो रही हैं। ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में 25 अक्टूबर को बंद दरबार शीतकालीन राजधानी जम्मू में 4 नवंबर को खुलेगा। सामान्य प्रशासनिक विभाग के आदेश में सप्ताह में 5 दिन चलने वाले कार्यालय 25 अक्टूबर और 6 दिन चलने वाले कार्यालय 26 अक्टूबर को बंद होंगे। सभी विभाग आखिरी दिन रिकॉर्ड इकट्ठा करेंगे। 21 अक्टूबर को एडवांस पार्टियां रवाना होंगी। सिख पंथक मोर्चा ने बलवंत सिंह रजवाना की मृत्यु दंड को उम्र कैद में बदलने के लिए सरकार का धन्यवाद किया और अपील की कि बाकी के अन्य लोगों को मानवीयता के आधार पर छोड़ देना चाहिए। आज गांधी जयंती के अवसर पर बीएसएफ ने रेलवे स्टेशन जम्मू में सफाई अभियान शुरू किया। वहीं दूसरी तरफ निरंकारी मिशन ने भी रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द सफाई अभियान चलाया। जम्मू में कांग्रेस ने कांग्रेस हेडक्वार्टर में गांधी जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भेंट की। इससे पहले सतवारी चौक में महात्मा गांधी की प्रतिमा के आगे मूक प्रदर्शन भी किया गया। और विदेश में रेलेवेंट है अहिंसा की विचारधाराओं की, मुख्तलिफ भिन्नताओं की आजादी और मुख्तलिफ रंग भाषा नस्ल जो सोच है अनेकता में एकता की सोच को बना के हम रखना चाहते हैं। गांधीनगर वुमेन कॉलेज की विद्यार्थियों ने कॉलेज की टाइमिंग को लेकर फिर एक बार धरना प्रदर्शन किया। जवानी है कॉलेज हमारी कुछ भी ठीक नहीं है। हमारे कॉलेज का टाइमिंग इन्होंने गलत कर दी हुई है। बस इश्यूज इतने आ रहे हैं कॉलेज में, बैठने की जगह नहीं है, वॉशरूम नहीं है, पानी नहीं है हमारे कॉलेज का। आज सांबा जिला में फिट इंडिया प्रोग्राम को पूरे जोश के साथ शुरू किया गया। पीपी न्यूज लाइन के आज के अंक में बस इतना ही। कल होगी फिर से मुलाकात, तब तक देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय जेम ऑप्टिशियन एंड कॉन्टेक्ट लेंसेज, नई बस्ती जम्मू, नरेंद्र सन एंटरप्राइजेज, रेजिडेंसी रोड जम्मू।
Krishna Diagnostic Lab, committed to prove quality, patient care and diagnosis under one roof. 51/9 Rikuta Nagar near police station. Puri exclusive woman. Designer suits, saris, lehengas and bridal gowns. Ganesh Deya Nursing Home, Talaptilo Road, behind petrol pump, Pakka Garad, Jammu. Friends Toys. Visit for all kinds of toys for all age groups. Sanjinagar, Jammu.